नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन माना जाता है और इस दिन जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती उनके लिए श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन अज्ञात और असंभव मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान किया जाता है। इसे अमावस्या श्राद्ध या सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष कार्य अति शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120715-3787, 0120715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़े इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है पितृपक्ष को लेकर, क्या कैसे आप जब श्राद्ध करते हैं तो कैसे आप निमित्त निकाल सकते हैं, अज्ञात और असमय मृत्यु को जो प्राप्त होते हैं लोग उन्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान कैसे किया जाए। आचार्य जी, यही आज का विषय हमने रखा है। देखिए, बहुत अच्छा विषय रखा आपने, क्योंकि कल पितृ अमावस्या है और पितृ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी होता है। सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध, प्रणदान, तर्पण आदि पितृ अमावस्या पर ही करते हैं। और ये बात सही है कि पितृ अमावस्या के दिन हम विधि विधान से कोई कार्य करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके लिए जल में काले तिल, उषा, जौ और सफ़ेद फूल डाल करके तर्पण करना चाहिए और पिंडदान सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण पिंडदान जरूर किया जाता है और करना चाहिए। चावल और गाय के दूध की खीर, गुड़ और शहद मिला करके पिंड बनाएं और गाय के दूध से और घी और गुड़ और शहद मिला के पिंड बनाएं, फिर पितरों को अर्पित करें, गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना अति शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने या सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन गीता का पाठ बहुत शुभ माना गया है। पंचबलि कर्म की बात करें, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन पंचबलि कर्म का बड़ा महत्व होता है। पंचबलि 5 अलग अलग लोगों के लिए भोजन जो रखा जाता है उसे पंचबलि कहते हैं। कौओं के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए, कुत्ता के लिए और देव को अन्न अर्पण करते हैं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये पंचबलि कहलाती है। और आपको ये मानना चाहिए कि जो पितरों के हैं, हम वंशज हैं, तो अन्न जल ग्रहण तभी करेंगे तो हमारे पितरों को हम अन्न जल ग्रहण करा देंगे। तो देखिए, अच्छा एक और बात है कि इस बार एक कंफ्यूजन बड़ा चल रहा है चंद्रश्री जी, लोगों को लगता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन हो रहा है और इस वर्ष का सबसे बड़ा ग्रहण माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि 1 अक्टूबर यानी आज रात को 9:40 से और मध्यरात्रि के बाद यानी 2 अक्टूबर की रात आ जाएगी, 3:17 तक ये सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप बहुत निसंकोच होकर के प्रसन्नता के साथ अपने पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, ना सूतक का प्रभाव है, आप आराम से पितरों के श्राद्ध कर्म में मन से कार्य करें, कोई बाधा नहीं है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन बल्कि शुभ 3 संयोग बन रहे हैं। और योग की बात करें तो देखिए, 3 अक्टूबर को 3:22 तक यहाँ ब्रह्म योग बन रहा है और इसके बाद इंद्र योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दोपहर 12:23 से लगेगा जो 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का ग्रहण का प्रभाव न सूतक का प्रभाव हमारे भारत में रहेगा। आप बहुत प्रसन्नता से अपने पितरों के निमित्त
श्राद्ध ग्रहण करें और पंचबलि कार्य करें और पूजा विधान के साथ गीता के पाठ करते हुए अपने पितरों के लिए आप जो है श्राद्ध करें। जो लोग किसी तरह से अपने पूर्वजों की तारीख को भूल गए या भूल चुके हैं या दिमाग में नहीं है, वो लोग अमावस्या के दिन जरूर पितरों का श्राद्ध करें और एक जल के लोटे में काले तिल, उषा, जौ और सफेद फूल डालकर के तर्पण जरूर करें। इस प्रकार से जो है ये माना जाता है कि इससे पितृ दोष मुक्ति हो जाती है। और ये हमारे चंद्रश्री जी ने, क्योंकि कल अमावस्या है और उसको एक दिन पूर्व इसलिए पूछा ताकि आप आज सुनकर के और कल आराम से कर सकें। हमारा प्रयास रहता है हमारे चंद्रश्री जी का, ये हमेशा कोई भी पर्व हो उससे एक दिन पहले बात करते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। सेम डे बताने पर व्यक्ति कर नहीं पाता है और फिर प्राश्चित हाथ में रह जाता है, इसलिए आज ही आपको बताया गया है। आप बिना संकोच के, कोई सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है ना सूतक का प्रभाव है, आप कल अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। जी, तो हमने आपको बताया कि आज के दिन भी आप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको तर्पण अनुष्ठान करवाना है, कैसे आपको अपने पितरों को शांत रखना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, इसके बारे में आचार्य जी ने आपको विधिवत तरीके से बताया। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स के ले लेते हैं सवाल। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। है हाँ नमस्कार अच्छा जी, आपको मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान, जय श्री राम। चंद्रश्री जी आपको भी नमस्कार है। आचार्य जी आपके चैनल में मुझे 5 साल हो गए आज मिलाते हुए, तो आप मुझे आशीर्वाद दें, अनंत आपको मेरा नमस्कार रहेगा हमेशा। अब आगे मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपके लोग चैनल के थक गए मित्र है। तो अगर आप बताना चाहें, आज मेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि दुर्गा माँ की पूजा में मुझे गौरी शंकर मंत्र का या ओम दू दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए कि 11-11 बार माला चढ़ने का मेरा विचार है। और आपको सदा के लिए मेरा अनंत नमस्कार रहेगा। देखिए, बहुत आपका स्वागत है और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे, हमारे भागफल कार्यक्रम में सदैव आप जुड़े रहते हैं और पिछले 5 साल से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ये आपको एक आदेश है। और जब गुरु का आदेश होता है तो फिर वो आदेश की पालना करना एक सच्चे भक्त की जिम्मेदारी बन जाती है। और अब आपने एक प्रश्न किया था कि माँ दुर्गा के जप का हम कैसे करें। माँ दुर्गा से देखिए, माँ दुर्गा के 108 नामों का जप कर सकते हैं। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य आप जलाएं, सुबह शाम दोनों समय दुर्गा की पूजा करें, पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें और अधिक से अधिक नवाण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र का जप करें। रोज माँ दुर्गा की पूजा आपको करनी है और सुबह स्नान आदि करने के बाद गंगा जल डाल करके अपने स्थान को पवित्र करते हुए दीपक प्रज्वलित करें या फिर अखंड दीपक है उसको देखें, गंगा जल से अभिषेक करें माँ का, माँ को अक्षत सिंदूर लाल पुष्प आदि अर्पण करें, प्रसाद में मिठाई अर्पण करें, धूप दीपक जला करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करें। और बाकी विस्तार से हम आपको कल बताने वाले हैं, कल एक दिन पूर्व बताएंगे, चूँकि हमारे चंद्रश्री जी एक दिन पूर्व ही किसी भी पर्व के बारे में जानकारी शेयर करती हैं और वो इसलिए ताकि आप लोग उसको आसानी से फॉलो कर सके, आत्मसात कर सके और उसका लाभ ले सके। और माँ भगवती को प्रश्न करने के नियम भी बताएंगे और इसके अलावा और भी मंत्र हैं, जैसे ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जब कैसे करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्धि कुंजिका का पाठ कैसे करें, माँ दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प क्यों अर्पण करते हैं, बहुत सारी हम बात करेंगे। और माँ भगवती जो है इस बार
जो पालकी बैठ के आ रही है वो आपको क्या देने वाली है, जी क्या आशीर्वाद देने वाली है, अनेक चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामना है और आपको आदेश है कि आप हमारे कार्यक्रम से सदैव जुड़े रहेंगे। जी अगले कॉलर को ले लेते हैं आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राजेंद्र जी का से हाँ आयुष्मान, कैसे हैं आप? बस आप लोगों की सत्ता है, समझ नहीं चल रहा है, कुछ खराब भी होता है तो अपना ठीक हो जाता है आपकी आशीर्वाद से। जी क्या एक शख्स है, वाइफ का नाम है सरस्वती और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1971 71 और समय है रात के 10:40 है, स्थान भी कहीं। उस दिन उनके मैंने पहले प्रॉपर्टी से मिली बात की थी कि उनके पिताजी की डेट ऑफ मदर है और ये एकमात्र संतान है, इनके चाचा उस प्रॉपर्टी में नजर रखे हुए हैं, लीगली उनके पक्ष में वो प्रॉपर्टी आती है, तो ये कब उनके नाम में ट्रांसफर हो पाएगी और सब काम निजी में हो जाए, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में और राजेंद्र जी बीकानेर से सदैव हमारे कार्यक्रम को चंचल जी कई वर्षों से नियमित रूप से श्रवण करते हैं और अपनी बात भी रखते हैं और सार्वजनिक रूप से मंच पर बात रख करके शेयर भी करते हैं और काम होने पर आभार व्यक्त भी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी वाइफ जो है उनको राहु की बाधा चल रही है। सूर्य का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है, राहु सातवें घर में बैठा हुआ है। आपकी जानकारी में है सातवें घर का राहु की महादशा चल रही है, सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना अधिक अनुकूल नहीं बनाता है स्थिति को। और राहु चूंकि राहु तो आप जानते ही हैं कि राहु अपना प्रभाव छोड़े बिना रहता नहीं है, सूर्य का अंतर चल रहा है, सूर्य द्वितीय और का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में सूर्य होना अति लाभ दे रहा है। तो आप ये मान के चलें कि माँ भगवती की कृपा से अवश्य आपकी वाइफ को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अपने मातृ पक्ष से जरूर इन्हें प्राप्त होगा। आप इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप नियमित रूप से करने के लिए कहें या फिर गोपाल सहस्त्र नाम का एक ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद भंजन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक, इस मंत्र का जप करने के लिए कहिए, अवश्य लाभ होगा। जी जी अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी आराम से बोलिए आप। हेलो जी आप बोलिए सुन आप। पा रहे हैं? गोविंद 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 दवे बोल रहा हूँ, परसों भी गौर को प्रणाम, गोविंद आदरणीय आदरणीय दवे प्रणाम बोल रहा हूँ। प्रणाम आदरणीय प्रणाम। आपका आशीर्वाद लिया था मैंने, जी कल मैंने आपका आशीर्वाद लिया था और बिल्कुल बिल्कुल जी मैंने भतीजे के लिए पूछ रहा हूँ, उसका जन्म है 12/3/1990 जी और मेरे जी अपना सवाल बताइए। रात्रि 9 बजे जी पाली पाली बुढ़ा राम सिंह जी उसके संतान लोग कब है, कृपा करके बताएं। देखिए आपका बहुत स्वागत है और आपको बताएं कि बृहस्पति की महादशा इनको चल रही है और बृहस्पति की महादशा गुरु तृतीय भाव का और सप्तम भाव का मालिक बन के बैठा हुआ है। नवम भाव के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाता भाग्य इसमें, और चूंकि संतान घर में बुद्धादित्य योग बन रहा है मगर वहाँ सूर्य जिस घर में बैठा है उनके पुत्र शनि का घर है तो विरोधाभास है। इसलिए मैं इतना से कहूंगा कि शनिवार के दिन काले तिल लेकर के और उन्हें थोड़ा क्रश करके घी बूरा मिश्रण करके चींटियों को डलवाएं और शनिवार के दिन थोड़ा तेल लेकर के उसमें मुंह देख करके और शनि को चढ़ाने का प्रयास करें, अभिवृद्धि होगी।
परिवार की अभिवृद्धि होना संभव है, लेकिन कुछ उपाय कर देने से सफलता मिलती है तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अवश्य सफलता मिलेगी, आप कीजिएगा, जरूर लाभ होगा। और यदि हो सके हरिवंश पुराण के पाठ करें, हरिवंश पुराण जो है पुस्तक आती है, या संतान गोपाल का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। और देखिए संतान जो है ये एक ऐसा है कि इसको जो करता है संतान गोपाल को, उसे अवश्य लाभ मिलता है। इसके मंत्र बड़ा सरल है और बहुत सरल मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मैं तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता है। ज्योतिष के अनुसार उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को 1,00,000 बार जप करने से अवश्य संतान प्राप्ति होती है, कोई रोक नहीं सकता। और गर्भवती होने के लिए भी ये मंत्र होता है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मैं तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इस मंत्र का जाप करने के लिए एक नियम बना लीजिए और जल्दी थोड़ा उठना शुरू करें, सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करें, अवश्य आपको लाभ होगा जी। और सेहतमंद आहार भी लें, बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है, आज का दिन हमारे दर्शकों का कैसे जाने वाला है राशिफल जानने का, तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं मेष राशि से। आज आपके परिवार के साथ स्नेह बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, आप किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च करेंगे, आपको आज पारिवारिक खुशी मिल सकती है। यदि विद्यार्थी आप हैं तो आपको खेल कूद में बड़ी सफलता मिलना तय है, व्यापार में जोखिम लेने से बचना चाहिए, हालांकि बाद में सब अच्छा ही होगा। घर परिवार में किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आज बन सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है, पुराने मित्रों से मुलाकात बन सकती है, नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के अवसर आज पैदा होंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बन सकती है, जिसने आज आप सुस्त हो रहे हो उतना ही आप अभी तेज से आगे बढ़ोगे, मान सम्मान में विस्तार होगा, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रणाम करें, उनके चरणों से सिंदूर माथे पर सुशोभित करें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज आपका कार्य क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलना तय है, कला के प्रति रुझान बढ़ेगा, व्यापार के लिए तो समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य विकार आज संभव है, थोड़ा सचेत रहे, आपको अधिकारियों से आपकी बहस बन सकती है, आपके मित्र आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, आपके बुरे लोगों की संगत में आज जा सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए, आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। जिस पर बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग, आज साथ ही पिछले कुछ कार्य भी बनेंगे, मान सम्मान में वृद्धि बन रही है, अधिकारी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, निर्णय लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आज वरिष्ठ लोगों से सलाह लेकर के कार्य को शुभारंभ करें, कहीं घूमने फिरने के लिए भी बाहर जाने का मन बन सकता है, आज कुछ खरीदने के लिए भी मन बनेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की, आज किसी काम के अच्छे बुरे पहलुओं को परखें, बिना कोई भी कार्य आप जल्दीबाजी में निर्णय ना दें, लेकिन लेन देन में आज सावधानी बरतना आपके लिए उत्तम रहेगा, किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात बन सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको बनी रहेगी, किसी को उधार देने से बचें, उधार न करें तो ही अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग, आज आप किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च करेंगे,
आपको पारिवारिक खुशी मिल सकती है। यदि विद्यार्थी आप हैं तो कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनती है। आप भू संपत्ति का सौदा कर सकते हैं। खरीद बिक्री में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित करें, लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय थोड़ा सावधान रहने की सख्त जरूरत है। धैर्य से अच्छे समय की प्रतीक्षा करें, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों। आज परिवार के साथ कहीं तीर्थ पर जाने का अवसर बन सकता है। छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता संभावना संभव हो रही है। किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। इस हफ्ते जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोग। आज आप पर कानूनी मुकदमा थोपा जा सकता है। विशेष तौर पर अपरिचित महिलाओं से न उलझे। परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर काफी संभल करके आज कार्य करने की जरूरत है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी न करें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोग। आज आपके अधिकारियों से आपकी बहस बन सकती है और धन में कमी आ सकती है। धन की समस्या बन सकती है। आज आप मानसिक संतुलन बनाए रखें, जिसके कारण आपके कार्यों में बाधा नहीं बनेगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपको पारिवारिक खुशी मिल सकती है। यदि विद्यार्थी आप हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आप उस संपत्ति का सौदा आज कर सकते हैं। खरीद बिक्री में आपको लाभ हो रहा है। कहीं बाहर घूमने जाना बन सकता है। व्यापार में नए लोगों से मुलाकात असंभव है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, बाद में धन कमाने की सोचें। किसी भी काम के अच्छे बुरे पहलू को परखे बिना कोई कार्य आप जल्दीबाजी में निर्णय ना दें और ना करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बन सकती है। कोई नया काम शुरू करने से पहले थोड़ा सावधान रहें। परेशानियां सामने आज आ सकती हैं। इस प्रकार से आज हमारा अपना यह है राशि। जी, तो राशिफल सबने जान लिया और आज का विषय भी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए, जाने से पहले आपको दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम जी की आरती के।